और ये वाला जो हिस्सा है लद्दाख का ज़ांस्कर की तरफ, ये काफी रॉ है। चलो फिर पदुम एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स गो। लद्दाख में ना वाटरफॉल बहुत कम देखने को मिलता है, इसीलिए इस वाटरफॉल की अहमियत ज्यादा है। तो अभी आप लोगों ने दो दिन से फास्ट रखा हुआ है। हाँ, पानी भी नहीं पीते? नहीं, बात भी बंद। दिस इज द एक्चुअल बॉडी। एक्चुअल बॉडी, या। हेलो दोस्तों, मैं कमल, मरहबा, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अमजद खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएसके। गुड मॉर्निंग फ्रॉम पदुम। नमस्कार, ज़ांस्कर के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। ये ट्रिप हो रहा है विद ज़ांस्कर हिल्स। कल हम निकले थे लेह से, मानला से सिलसिला, सिलसिला से सिंगला पास होके हम यहाँ पहुंचे पदुम में। कल 8 बजे शाम को 2 घंटे के लिए रास्ता बंद था, फिर जैसे ही रास्ता खोला हम दुन 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 पदुम पहुंच गए। तुम्हारा नाम क्या है? कमलेश। ठीक है, अभी चलो पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। आ गया हमारा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में है पोहा, ऑमलेट, ब्रेड। इसके प्लेट में पूरी भाजी। यहाँ पर है ठंडा ब्रेड और ठंडा बटर, और पिघल नहीं रहा है तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। लड़की अभी तक उठी नहीं है, फोन लगाया जाए उसको। उसका आता पता नहीं है, 3 मिस कॉल दे दिया। नहीं उठ रही, नहीं। CID को फोन करना पड़ेगा। दाल में कुछ तो काला है। दया दया आएगा, दरवाजा तोड़ेगा। दरवाजा तोड़ दो। आ गई लड़की और आते ही सीधा बोलती है पीने को क्या मिलेगा। पीने को क्या मिलेगा? जो लेमन टी है। अभी हम एक्सप्लोर करेंगे पदुम। काफी सारी बाइक्स दिख रही है हमें, काफी लोग राइड करके यहाँ पर आए हैं, बट हम गाड़ी से आए हैं। और आते आते बहुत बार ये ख्याल आया कि क्यों नहीं हम अपनी बाइक लेके आए, क्योंकि बाइक ही नहीं है अभी हमारे पास। पदुम में और लेह में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। जैसे लेह कैसा कि चारों तरफ से माउंटेन से घिरा हुआ है और बीच में लेह है, और काफ़ी सारे होटल्स, बड़े बड़े होटल्स, कनेक्टिविटी सब कुछ है। उसी तरह से पदुम है ज़ांस्कर के लिए। ज़ांस्कर आता है कारगिल डिस्ट्रिक्ट में, और ज़ांस्कर रीजन में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है पदुम, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे होटल्स हैं, रहने की सुविधा है, कमरे में गीज़र है, नेटवर्क है, 5G नेटवर्क। बाकी जैसे हम मनाली की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं है, नेटवर्क नहीं है, होटल ज़्यादा नहीं है, होम स्टे होते हैं, तो उस तरफ भी हम जाएंगे। और ये वाला जो हिस्सा है लद्दाख का ज़ांस्कर की तरफ, ये काफ़ी रॉ है। चलो फिर पदुम एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन पदुम में ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए कुछ नहीं है, आसपास की एरिया है वहाँ पर हम एक्सप्लोर करेंगे। हमारी कलम वाली भाई भी रेडी है। हेलो, कैसे हो? मिलिए काशी जी वापस फिर से एक बार। काशी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, स्टेट ऑफ गुड इवनिंग। कहाँ से? यहाँ से गाड़ी वहाँ पर है हमारी। पैदल खाना खाने जाए पहले। इधर ही पैदल ही है? पैदल इधर सामने। राजमा राइस है? राजमा राइस में। तो वेज में वो क्या? वेज थाली में काला दाल है, सब्जी, मिक्स सब्जी है, रोटी मिल जाएगा, चावल। येलो दाल है? येलो नहीं, काला दाल। एक वेज थाली कर दो। मोमो मिल जाएगा आपको? मोमो चाहिए तो। कौन सा मिलेगा? चिकन? नहीं, मटन और वेज। मिक्स कर सकते हो उसको? हाफ मटन हाफ वेज। हाँ, दोनों हाफ कर दो। कैमरा चालू हो रहा है? चश्मा भी लेंगे? बस ऐसा है ना, क्योंकि ये अभी लाइट नहीं है तो सोचेगा कि अंधा है। तो मैं अंधा हूँ। ताशी हमारे इस ट्रिप के हीरो हैं। जहाँ जहाँ पर भी हम जाएंगे वहाँ वहाँ पर ये हमारे साथ हमको हेल्प करेंगे। आप यहाँ कहाँ रहते हैं? मैं थोड़ा नीचे छावर में। ठीक है, खाना हमारा आ रहा है, खाना खाएंगे। पदुम में ऐसा कुछ एक्सप्लोर करने को तो नहीं है ना? पदुम के आसपास होगा? आसपास है एक्चुअली, उधर एक मोनास्ट्री है ऊपर, वहाँ से व्यू अच्छा आएगा। फिर एक स्कूल है, इसकी कभी तो इसी क्लोज है। कहानी में जुड़े रहें, पल पल की खबर हम देते रहेंगे। आपका टूर गाइड MSK विद ज़ांस्कर फील्स ताशी। पहले हमारा ये वेज थाली। बस खाना ठंडा ना हो, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें थोड़े टाइम में ही ठंडी हो जाती है। इंसान भी, खाना भी, जगह भी, सब कुछ, बिस्तर भी और आगने का कमोड भी। और
लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, जा रहे हैं थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। सबसे पहले हम जाएंगे शिला वाटरफॉल, लेट्स गो। साथ में हमारे ताशी भी है, हमारी गाड़ी में पहली बार। ताशी जी, आपको फॉर्च्यूनर पसंद है? यस, इट्स अ ड्रीम कार फॉर एवरीवन। ये देखो, अभी यहाँ पर गाड़ी रख दे, आप कैसे निकलेंगे यहाँ पर? ठंड ले से थोड़ी कम है, अच्छा हम वेदर को एंजॉय कर पा रहे हैं। ले में भी एंजॉय कर ही रहे थे, तो थोड़ा लेट अप होके निकलना पड़ रहा था, यहाँ पे हम ऐसे निकल रहे, नॉर्मल निकल रहे हैं। वहाँ पे क्योंकि बादल छाए हुए थे, यहाँ पर बादल नहीं है इसलिए ठंड थी। आपको पता है पदुम का नाम पदुम कैसे पड़ा? यहाँ पर एक बुद्धिस्ट गुरु है जिनका नाम है पद्मसंभव, उनके नाम पे पदुम पड़ा। और यहाँ पर ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, पूरे टाउन में सिर्फ 2000 पॉपुलेशन है, और इस पॉपुलेशन में मुस्लिम पॉपुलेशन भी है। यहाँ पर मस्जिद भी है, यहाँ पर मॉनेस्ट्री भी है। अभी हम हैं शिला गांव में और हमने गाड़ी यहाँ पार्क की है, थोड़ा सा वॉक करके जाना पड़ेगा वाटरफॉल के लिए। तो सब रेडी है, ये बाइक तो फुल डाकू हो गया है। ये वो कॉन्ट्रा स्ट्राइक, क्या बोलते हैं उसको, काउंटर स्ट्राइक 1.6 वाले फैन बॉयज कमेंट करो नीचे, आई वाज वन ऑफ देम, आई एम वन ऑफ देम। अभी का मैकबुक आ गया ना, तो फिर साला उसको खेल नहीं सकते। अभी जो हम लोग लोकल से बात कर रहे थे वहाँ पर, तो वो क्या कर रहे थे ना, वो ये जो विलो ट्री है, ये विलो ट्री को वो छील रहे थे। तो छीलने के बाद फिर वो ऐसे सुखाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो घरों की छत होती है ना, ये छतों पे लगाते हैं, फिर उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं, तो ऊपर से पूरा एक छत बन जाता है। सर्दियों का टाइम क्या होता है ना कि जो अंदर की हीट है वो बाहर नहीं जाती, और बाहर का ठंड अंदर नहीं आता है। वहाँ वाटरफॉल है, और उसके बाजू में हम ये देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो है ये विलो ट्री है। विलो ट्री की खासियत ये है कि नीचे एक बहुत बड़ा बेस है, उसके ऊपर फिर ऐसे डालियां निकलती है, और ये डालियों को काट के यूज किया जाता है। है कि नहीं बढ़िया चीज, पेड़ काट के भी पेड़ नहीं काट रहे। यहाँ पर कुछ तो बनाया गया है, टेंट है शायद, वहां पर एक वीविंग डेक है। लद्दाख में ना वाटरफॉल बहुत कम देखने को मिलता है, आप मनाली जाओ या कहीं उत्तराखंड में जाओ, आपको बहुत वाटरफॉल दिखेंगे, लेकिन लद्दाख में थोड़ा रेयर है, इसीलिए इस वाटरफॉल की अहमियत ज्यादा है। इसका नाम ही अलग है, शिला शिला, और शिला में जवान लोग आते हैं। करंट है विंटर के टाइम, ये वाटरफॉल पूरा का पूरा जम जाता है, और यहाँ पर आइस क्लाइंबिंग होती है। सोचो वो भी क्या नजारा होगा विंटर में। यहाँ पर एक स्कीइंग स्कूल भी है, वो भी विंटर के टाइम एकदम बहुत फेमस है भाई वो। तो हम जो लोकल से बात कर रहे थे ना, वो कह रहे थे कि -30 तक जाता है यहाँ पर विंटर में। स्विमिंग पूल? स्विमिंग पूल नहीं है वो, कंसिडर कर सकते अपन। हाँ, नहाएगा तू जाके? प्राइवेट है। समझा नहीं। जी, शिला गांव तो बहुत खूबसूरत है, ऊपर से तो क्या मस्त दिख रहा था यार। तो हम आ रहे थे ना, तो हमें तो खेत दिख रहे थे, लेकिन खेत में एक शेप बना हुआ है पत्ती जैसा, वो ड्रोन उड़ाने के बाद ही दिखा है। कभी कभी चीजें जब ऊपर से देखते हो तो ज्यादा खूबसूरत दिखती है। तो ऊपर तो ऊपर वाला होगा, उनको कितना कैसी दुनिया दिख रही होगी। अभी हम कहाँ जा रहे हैं पूनम? तुम दे, लेट गो। सिर्फ शफी की एनर्जी, बाकी लोग की एनर्जी किधर है? वो चिल्ला रहे उसके बीच में, मैं कहाँ चिल्लाऊं, लेट्स गो विच इज लेट्स गो। एक अंदर घुसा था, बकरा इधर आ रहा वैसे।
हम आ गए पैसेंजर सीट पे। अब ड्राइवर आर्या बंटा है वो इसीलिए क्योंकि अभी हमने ड्रोन उड़ाया है और बहुत कोशिश की कि एक अच्छा सा ड्रोन शॉट निकल जाए, बट इतने दिनों से हमने ड्रोन नहीं उड़ाया तो वो प्रैक्टिस नहीं है, तो शॉट वैसे ही नहीं आया जैसे चाहिए थे। मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, अभी हम ऊपर चढ़ रहे हैं, हम मॉनेस्ट्री जा रहे हैं, अभी यहाँ पर ना थोड़ा सा ग्रीनरी है, इसके पीछे का राज यही हो सकता है, वो वाटरफॉल। कुछ नहीं दिख रहा है सामने, धूप सीधा सामने, कुछ दिख ही नहीं रहा है, ये तो खाई में मत डाल देना। तो कुछ दिख नहीं रहा है मेरे को, गाड़ी किधर जा रही है समझ नहीं आ रहा है। बस पहुँचने वाले हैं, ये ग्रीनरी की बात कर रहा हूँ मैं। चलो पहुंच गए हम लोग स्टोंग दे मॉनेस्ट्री। टोंग का मतलब हजार, दे का मतलब ब्यूटीफुल, हजार ब्यूटीफुल। हम ऊपर आए हैं, ऊपर है मॉनेस्ट्री, नीचे गांव है, तो अभी गांव में लगभग 100 घर होंगे। ऐसा कहा जाता है कि जब हजार घर हो जाएंगे तो बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा। ये नीचे देख रहे हैं, ये है स्टोंग दे गांव। पहली बात तो ये है कि ठंड बढ़ गई है इसलिए सब लोगों ने जैकेट पहन लिया है, लेकिन हमारे ताशी भाई नहीं पहने, बीइंग अ लोकल आई डोंट नहीं, इनको नहीं, इनको चलता है, नॉट दैट मच। हाँ, सो यहाँ पर ना दो रिवर का संगम हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। एक रिवर आ रहा है सारचू से जिसे कहते हैं सरब रिवर, एक रिवर आ रहा है दरंगदुरुंग से जिसे दरंगदुरुंग रिवर भी कहते हैं। तो यहाँ पर मिलन हो रहा है और ये बनता है सांस्कर रिवर, और फिर ये आगे बढ़ बढ़ के कहाँ मिलता है, जो आपको हमने पहले एपिसोड में बताया था, जो संगम हो रहा था लेक से थोड़ा सा हम कारगिल की तरफ जा रहे थे, ये नदी जाके वहां पर संगम होता है, इसीलिए वो संगम को दिखाना जरूरी था, इसीलिए ये दिखाना भी आपको जरूरी था। ठीक है, कैसे हो इन लद्दाखी लैंग्वेज। तो आज हमने काफी कुछ सीखा, तो वो जो विलो पेड़ था उसके बारे में हमें पता चला, रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई स्टूडेंट हमें देख रहा है, रिवर का क्वेश्चन अगर कुछ आया ना ऐसे, लिख देना फटाफट, और नंबर का क्रेडिट बाद में मुझे दे देना, नहीं भी देखो तो चलेगा, बस सब्सक्राइब कर लेना या लाइक शेयर कर देना। हम लोग जब यूनेस्को ट्रिप पे गए थे ना, हाँ, तो हमारे कुछ यूनेस्को साइट्स के ऐसे कुछ तो क्वेश्चन आए थे स्टूडेंट्स को, हाँ, कि कौन सी साइट कहाँ पे और वो सब, और उन्होंने हमारा ब्लॉग देखा था और वो लोगों ने बोला आपके ब्लॉग की वजह से हमको आंसर्स पता थे। जो देखते हैं तो ज्यादा दिमाग में रह जाता है ना, बाप रे क्या मौसम बदला है, ये अचानक से बदला है, इसीलिए हम लोगों ने बैकअप में एक एक जैकेट लेके आए। स्टोंग दे गोम्पा की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, अगर मैं ये पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा तो आप लोग बोलेंगे क्या पका रहा है, तो जिनको इंटरेस्ट है पॉज करके पढ़ सकते हैं, हम जा रहे हैं आगे। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मॉनेस्ट्री हजार साल पुराना है, हजार साल समझ रहे हो कितना होता है। What a view of what? कहाँ हम मुंबई में समंदर किनारे अपने घर में बैठे हुए, घर वाले ब्लॉग बना रहे थे। ताशी बोल रहे थे ऐसा नजारा देखने के लिए मेरे पास आओ जांस्कार फील्ड्स में। चाय है ना, चाय अभी चाय पी ले ना। बिल्कुल, क्या व्यू है यहाँ से। ऊपर वाले ने समंदर के अलग मजे दिए और पहाड़ों के अलग मजे, और इंसान को कहा है कि तुम्हारे ऊपर है तुमको क्या चाहिए, मैंने तुमको दोनों दिया है और मुझे दोनों चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक अलग ही सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है, मतलब ऐसा लगता है कि जो दुनिया में जितने करोड़ों लोग हैं, बिलियंस ऑफ पीपल, उसमें से कुछ ही लोग हैं जो यहाँ तक पहुँच पाते हैं, और उसमें मैं हूँ। फील ब्लेस्ड एंड लकी फॉर दैट। कितने प्यारे हैं, लग रहा ना खूबसूरत, बढ़िया जहरीला है अगर इसका पत्ता या फूल सीधा ऊपर। लेकिन यहाँ पर ये जहरीले फूल क्यों है ये मेरे को नहीं पता, बट काफी है यहाँ पर। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो देखने में सुंदर होती है, छूना ना छूना ना छूना ना छूना ना छूना ना छूना ना, परी हूँ मैं, जहरीली हूँ मैं। इसके लिए जहरीले हैं ताकि यहाँ पे वो नेचर को हार्म ना हो, कोई बागड़ बिल्ला आएगा छुएगा मर दे। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। शफीक इज द फाइनली मॉनेस्ट्री के अंदर जाते हैं। जुले है ना, ठीक हूँ, पूजा है ना, इसीलिए छत पर बना रहा है। यहाँ बैठ सकते हो? बैठ क्यों नहीं? तो ये आटा है ना? ये आटा नहीं, ये अच्छा, जो उस दिन हमने वहाँ पर खेत देखा था वही वही वही, और इसमें घी लगाते हैं। वाटरफॉल है, अभी गए जाके वहीं से आए हम, बट पानी बहुत ठंडा है, पूरा जम मरना चाहिए। पोताला बहुत फेमस है ना यहाँ पर, सब आते हैं वहीं रुकते हैं। विंटर में हाँ, दूसरा कपड़ा है ना, ऊन का कपड़ा, ऊन का ना, मुझे गर्मी लग रहा है। आप लोग के लिए गर्मी है, हमारे लिए बहुत ठंडी है। आप तो कब से यहाँ पे? हम तो 30 साल हो गया। तो अभी आप लोगों ने 2 दिन से फास्ट रखा हुआ है। हाँ, फास्ट में कुछ भी नहीं खाते?
पानी भी नहीं पीते बोले में एक बैठा ना 21 दिन हमारे दो दिन क्या है सोनम कल सुबह 4 बजे उठेगा फिर पूजा करेगा फिर वो हाँ दिन पार खाएगा दिन से बान ये भी बान बात भी बान बात भी बान हाँ पूजा भी चलता है हमारा कितना घंटा होता है 16 घंटा मैक्स मैक्स टू मैक्स ना अच्छा सो मैं मुस्लिम हूँ अच्छा तो हमारे में जो रोजा रखते हैं वो सिर्फ 16 घंटे का ही होता है उससे ज्यादा नहीं रखते हम उससे ज्यादा चक्कर आ जाती है तो आपका फास्ट शुरू हो गया अभी कल 4 बजे कह रहे हैं 4 बजे पूजा कर गए फिर तो इतना दूर 3000 किलोमीटर चला के पहुंचे और जब ये एक्सपीरियंस करने मिलता है सफर सक्सेसफुल हो जाता है अब हम पियेंगे चाय थैंक यू सर बस 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 अच्छी बस बस काम जाइना कहाँ गए मुंबई बॉम्बे हाँ कैसे हैं आप अच्छा पूजा कर रहे हैं चलो चाय पी लेते हैं चाय बिस्किट रखी हुई है चाय भी पी लिया हमने अभी हम जा रहे हैं अंदर जूते उतारने पड़ेंगे ये कुछ पेंटिंग्स हैं ऐसे ही सेम कुछ हमने भूटान में भी देखा था सो दिस इज द यू नो कुंदुलु रिंपोचे वन ऑफ द यू नो great incarnation lama we call Rinpoche in Tibetan or local words okay and he rule over Tibet in the past after the you know pass away of Dalai Lama previous one of the Dalai Lama so he was dead 8 years ago and he was the you know he was a teacher of Kundalini Rinpoche it was his disciples to preserve his body for the memory actually he is from Shilinkit the village which is around 5-7 kilometers from here this is the actual body Yeah, his body was kept at Manali to you know observe the water content in the body. Later on, it was brought to Leh. There's a village called Pe. There's a monastery, so it was kept there. Then later on, it was brought to this monastery last year because he is from this monastery. But it looks like somebody painted him. Yes, somebody painted. Yeah. Later on, it was painted. Spiti mein ek monastery. Gyu monastery. Yeah. वहाँ पर मैं गया था. I saw that mummy. That looks very real. उनकी चमड़ी and then you know वो सब पूरा. ये भी look real. ये थोड़ा सा modify करना. थोड़ा सा फुला हुआ ये सब कुछ या expand करता हूँ ना ये है. ये है चौकांग बोलता है यहाँ पर लामाज लोग है ना गैदरिंग होता है पूजा करते हैं ये सब हमारे टीचर्स है ये हमारा डेटीज बोलते हैं ना प्रोटेक्टर है एक वज्रदारा बोलता है ये है दलाई लामा फिर दलाई लामा का है फिर ये मारपा बोलते हैं मारपा जो कि यहाँ पे पहले आए थे बोलते हैं वो एक्चुअली शिप में बोट पे आया वो जो आप बता रहे थे इनका मूर्ति है ये लोग का फाउंडर है ये इनका दो डिसाइपल्स है इनका स्टूडेंट्स है डीटीज है ना कोई बोलता आप लोग को रक्षा जैसा लग रहा है ये एक्चुअली ये नहीं फुरबा बोलते ये किस लिए उठाते हैं टू कट द इग्नोरेंस हेटरिड और डिजायर इसको कट करने के लिए नॉट टू हार्म अदर ये क्लियर करने के लिए होते हैं So, अभी हम हैं मॉनेस्ट्री के किचन में और यहाँ पर ये जो चीज है ना क्या बोलते हैं दोलतोक ये दोलतोक है तो बेसिकली यहाँ काउडंग से इसको यू नो गर्म किया जा रहा है तो ये जो पूरा का पूरा है ना ये पत्थर का बना हुआ है सूप बन रहा है ये और इसका स्वाद एकदम अलग होता है शेफ ताशी इसे थुक्पा कहते हैं अच्छा ये थुक्पा बन रहा है यहाँ थुक्पा बन रहा है यहाँ पर कांदे भुजे जा रहे हैं एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस ऑफ मॉनेस्ट्रीज किचन तो मॉनेस्ट्री के किचन में जाने का मौका मेरे को पहली बार मिला है इससे पहले हम गए थे स्पीति में गए थे एक बार ठंड में तो वहीं पर ही बैठ के हमने चाय वाय पिया था सेकेंड टाइम ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन हमारा सफ़र सफल हुआ यहाँ पर आके जो हमने एक्सपीरियंस किया मैं कह सकता हूँ कि ऐसा एक्सपीरियंस बहुत रेयर हुआ है ज़िंदगी में थैंक्स टू
ताशी भाई, हमारा नमस्कार जंस्कार का दूसरा एपिसोड सफल है। नमस्कार जंस्कार टू जूले जंस्कार, बिकॉज़ वी यूज जूले इज अ मैजिकल वर्सटाइल रोल टू प्ले इन एवरीडे लाइफ इन जंस्कार। सर वो तो हो गया, अभी लोगों को बनी है, इट्स ऑलरेडी डन डन, जस्ट टू मेक यू नो इंटरेस्टिंग, दैट्स व्हाई स्टोरी, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। मेरे ख्याल से जूले जंस्कार है किसी ना किसी का। ये है हमारा आज का डिनर। डिनर में है चाइनीज और आई डोंट लाइक चाइनीज। देसी बंदा अपने को चाहिए दाल, हमें दाल के लिए लड़ाई हो जाती, लेकिन मैं आज कंट्रोल कर रहा हूँ। ऑलराइट जी, उम्मीद है आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो जरूर इसको शेयर कीजिएगा उन लोगों से जो ऐसे व्लॉग्स देखना चाहते हैं। बाकी तो बढ़िया, कल मिलेंगे आपको तीसरे एपिसोड में। बाकी ये एपिसोड होता है यहाँ पर समाप्त। लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम। नमस्कार जंस्कार। Alright, ladies and gentlemen. Gentlemen. Living from Stongde Monastery after the new unique experience. वापस करते हैं इसको। Oh shit.